हे वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल काइट लवर में। तो गाइस, जैसे कि कमेंट में आपने बोला था कि सर जो डोर होती है हमारी चाइनीज मांजा, जैसे कि आप देख सकते हैं मोनोकाइट फाइटर हुआ या मोनोफिल गोल्ड हुआ या मोनोकाइट हुआ या फिर ऑल आउट मांजा हुआ या फिर मोनोफिल होती है खाली नॉर्मल जो डोर होती है, इनमें से बेस्ट कौन सी है, कैसे चूज करें। तो गाइस मैं पहले बता दूं, मैं चाइनीज मांजा को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए वीडियो बना रहा हूं भाई कौन सी बेस्ट है, किस में क्या खूबियां हैं, किस में क्या क्वालिटीज है। तो चलिए अपनी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस ये देखिए, ये डोर है मेरे पास मोनोकाइट फाइटर, आप देख सकते हैं जैसे कि नाम में ही फाइटर है, मतलब फाइटिंग के लिए यूज होती है। अब इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं खासियत क्या चीज है क्या नहीं। तो ये जो इसका डोर देख सकते हो, ये देखिए आप डोर, आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये बहुत ही मोटी डोर है। आमतौर पे जो हमारी प्लास्टिक की डोर या चाइनीज मांजा तो वो बहुत बारीक में आते हैं, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा मोटा है, आप देख सकते हो। और जो इसको तोड़ूंगा अगर मैं, ये बिल्कुल आसानी से नहीं टूटता। तो देखिए गाइस, ये हाथों में भी लग जाता है, देखिए किस तरह निशान पा दिया इसने मेरे हाथों के बीच में, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये आसानी से नहीं टूटता, इसीलिए इसका नाम है मोनोकाइट फाइटर। तो इससे क्या होता है, बड़ी पतंगे उड़ाई जाती है, जो बड़ी बड़ी भारी भारी पतंगे होती हैं, क्योंकि भारी पतंग नॉर्मल डोर से उड़ाएंगे वो डोर को तोड़ देगी। तो ये काफ़ी मोटी पतंग, मोटी डोर है, इसलिए जो भारी पतंग है वो आराम से इसके साथ उड़ जाती है। और दूसरी बात क्या है, ये किसी भी पतंग को खींच मारने में आसानी से काट देगी, क्योंकि ये खुद ना तो टूटती हाथों के साथ और ना ही दूसरे की पतंग इसको कोई काट सकता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है मोनोकाइट फाइटर मांजा। और ये अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होता है, जैसे यहाँ जामनी कलर का आप देख पा रहे होंगे, तो ये अलग अलग कलर्स में भी अवेलेबल होता है। सिर्फ इसकी खासियत ये है, ये काफ़ी मोटा मांजा है। कंच कुंच का नाम निशान है, मैं एक बात पूरी बता दूं, जो चाइनीज मांजे होते हैं उनमें कंच कुछ नहीं होता, नाम नाम का कंच होता है, कहने की बात है। आप खुद देखो क्या प्लास्टिक में कोई कंच मिक्स कर सकता है, नहीं कर सकता कोई भी प्लास्टिक में कंच मिक्स। तो सिर्फ ये क्या है, मोटाई, या तो ज़्यादा मोटे बना देंगे इनकी डोर को या पतली बना देंगे, बस इस बेस पर ये बिकते रहते हैं और बाकी नाम चलता है। तो ये था मोनोकाइट फाइटर। अब मैं दूसरी डोर बताता हूँ आपको, ये है खाली मोनोकाइट मांजा, ये भी सेम उसी का ही भाई है जो मैंने अभी मोनोकाइट फाइटर दिखाया, यह मोनोकाइट मांजा है। इसमें और उसमें फर्क क्या चीज है, उसका जो धागा था वो मोटा था, उससे थोड़ा बारीक धागा इस चीज का है, बिल्कुल बारीक नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा बारीक धागा है, आप देख सकते हैं अगर देख पाओ तो, थोड़ा सा बारीक धागा है। ये भी वही काम करता है, जो भारी पतंग होते हैं उसको हम इससे उड़ा सकते हैं, और मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा। देखिए गाइस, ये देखिए, ये भी नहीं टूट रहा, और ये देखिए निशान हाथों पे, इसने भी निशान डाल दिए। इसीलिए बोलते हैं भाई चाइनीज मांजे का यूज ना करो, क्योंकि इससे गर्दन वगैरह कट सकती है, आपको चोट लग सकती है, तो इसीलिए बैन किए हुए सरकारों ने भी। लेकिन जस्ट मैं आपके इंट्रोडक्शन के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ भाई इसमें क्या फर्क है। तो गाइज आप दोनों में फर्क जान चुके होंगे, ये है थोड़ा सा बारीक है, कंच इसमें भी नहीं है। अगर आप इसी चक्कर में अगर दुकानदार आपको बोले भाई इसमें कंच ले जाओ, नहीं भाई कंच कोई इसी में नहीं है, जो भी चाइनीज मांजा होता है किसी में कंच नहीं होता, वो मैं बात पहले ही तय कर देता हूँ। अगर जो दिखता ना आपको चमकदार, कहते हैं ना ये कंच है जो चमक रहा है, वो कंच नहीं होता, वो क्या है, जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए लगता है। या कई बार क्या होता है, इसमें रेत मिलाया जाता है, जब इसको बनाते तो रेत मिलाया जाता है और वो रेत चमकता है, वो ऐसे लगता है जैसे कंच का काम कर रहे हो। तो दोनों में पता लग गया। अब मैं तीसरा मांजा दिखाता हूँ, ये है ऑल आउट मांजा, ये काफी ज्यादा चर्चा में रहता है मांजा, और सबसे ज्यादा बिकता है जो मांजा वो ऑल आउट मांजा बिकता है। वो क्यों, क्योंकि इसकी दो खासियत है, सबसे पहले बिल्कुल बारीक है, उन मांजों से बिल्कुल बारीक मांजा ये देख सकते हैं, और दूसरा बारीक होने के कारण ये दूसरे की डोर को आसानी से कट कर देता है, क्योंकि मैंने जैसे कि आमतौर पर वीडियोज में बताया भाई जितनी मर्जी मोटी डोर से कोई उड़ा ले, और बिल्कुल बारीक डोर से अगर आप उड़ा रहे हो तो आप उसकी आसानी से कट कर जाओगे पतंग को। अब देखिए एक चाकू का एग्जाम्पल ले लिए, एक मूली ले लिए, मूली देखो कितनी मोटी होती है, चाकू उसको एक आसानी से एक झटके में काट देता है, सेम वही चीज इसके साथ। अब ये बिल्कुल बारीक है, इसलिए डिमांड में रहता है ऑल आउट मांजा। और वही है, कलर्स का कोई मैटर नहीं होता, कलर कोई भी ले लिए, चीज है, और इसमें भी कोई कंच नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ ये बारीक है, बारीक होने के कारण भारी पतंग उड़ाते हैं लोग इससे, और ये टूटता नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए गाइस, अब यहां पर निशान देख सकते हैं, ये देखिए, ये इनकी खासियत है इन चाइनीज मांजे की, इसलिए सबसे ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि ये टूटते तो है नहीं और दूसरे के पतंग आसानी से काट देते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा बिकते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता, जो सिंपल मांजे होते हैं, जो मैदानी मांजे हो गए या पांडा मांजे हो गए, वो तो इनको बिल्कुल आसानी से काट देते हैं। अगर आपको पतंग उड़ानी आती है तो बिल्कुल आसानी से आप उन मांजों से इनको तो काट दोगे। तो ये था ऑल आउट मांजा, ये बिल्कुल बारीक मांजा, इसलिए सबसे ज्यादा बिकता है ये मांजा, क्योंकि ये बारीक है और दूसरे के भारी पतंगे उड़ा लो ये टूटेगा नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा बिकता है मोनोकाइट फाइटर से मोनोफिल जो मांजा दिखाया था। मोनोफिल हम गोल्ड दिखाते हैं,
ये है मोनोकाइट गोल्ड मांजा, देख सकते हैं आप। अब ये देखिए मैं जो अब बात कर रहा था यहाँ पर, ये देखिए गाइस, ये जो चमकदार जो आप देख सकते हैं, ये मैं इसकी बात कर रहा था। ये कंच नहीं है, ऐसा लगता है ये कंच है, ये कंच नहीं है। ये आपको बेवकूफ बनाते हैं ताकि हम चाइनीज मांजा को ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। और लोग इनसे पतंगे भी काटते हैं, ये भी मैं मानता हूँ। पतंगे क्यों काटते हैं इससे, इस डोर से इसलिए पतंग काटते हैं क्योंकि ये इसमें प्लास्टिक का जो प्लास्टिक की जो हमारी वैल्यू है वो बहुत कम रखते हैं प्लास्टिक की वैल्यू। क्योंकि देखिए मैं नीचे अगर गिरा के दिखाता हूँ, देखिए नीचे देखिए एक बार, मैं देखिए नीचे गिरा के दिखा रहा हूँ गाइस। यहाँ पर जितनी मर्जी गिरा लो, अगर मैं होर डोरों को गिराता तो वो उलझन पड़ जाती है उन पे, खराब हो जाती है वो अगर मैं नीचे गिराता होर डोरों को। लेकिन इसको जितना मर्जी गिरा लो ये उलझेगी नहीं, देख सकते हैं आप। ये इसकी खासियत है इस डोर की, देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसीलिए सबसे ज्यादा यूज होता है मोनोफिल गोल्ड का मांजा, क्योंकि एक तो ये उलझता नहीं है और दूसरा क्या इसमें जो प्लास्टिक की मात्रा होती है वो कम होती है, जिसके कारण हमारे क्या डोर खराब भी नहीं होते, दूसरों की पतंग भी काट के आ सकती है। और ये मैंने बताई दी है जो इसके बीच में ये जो चमकदार हो रहे हैं, ये कंच कुंच नहीं है। ये आपको लगता है ये कंच है, ये कंच नहीं है, ये सिर्फ इसी तरह बेवकूफ बनाते हैं भाई ये कंच है, ये बाकी कंच नहीं है। तो और कोई मांजा, ये खाली है मोनोफिल का मांजा, ये तो बिल्कुल ही रद्दी मांजा भाई। ये तो दे देखिए, ये तो नीचे अब गिरूंगा भाई इसका, ये तब भी उलझ जाएगा ये। अब देख सकते हैं देखिए किस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये देखो डोरों को किस तरह से हो रहा है ये चीज। ये डोर तो ये वो डोरें होती है जो कहते हैं ना प्लास्टिक मांजे से हमने उड़ाई और सारी डोर खराब हो गई हमारी, इसी करके होती है। क्योंकि ये जो प्लास्टिक की ये मांजी है ना, तो इनमें कंच होता ना कुछ, और सिर्फ प्लास्टिक जो इसमें डोर बनी हुई है वो काफी मोटी डोर बनी हुई है। इसके बीच में जो प्लास्टिक की डोर बनी हुई है वो काफी मोटी डोर बनी हुई है, इसलिए तो इनमें से सबसे अगर बेस्ट की बात की जाए तो वैसे तो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं बोलता हूँ भाई, मतलब अगर मैं बताऊंगा भी तो आप कमेंट करोगे हमें चाहिए ये चाहिए। तो गाइज मैं पहले बता दूं हम ये प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। तो गाइज ये था इनके बीच में डिफरेंस, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स गाइज।